प्रेस प्रेस क्लासेस का जो रेमेडी था उसको जो अन्न होने का तैयार कर लेता था, और अमीर जो उसको पराना जी भी बोलते हैं उसको, और ये जो सामाजिक आंदोलन कर रहा पूरा भारत में, और 40-50 लोग कल विधि भवन में इकट्ठे हुए और कुछ रेजोल्यूशन पास हुए हैं, और उसके बाद में हमारे आंदोलन ज्योतिष वीरेंद्र सिंह यादव जी आपको उसका पूरा एक मंशन में बात करेंगे। पंचायत बोर्ड मेंबरशिप पार्लियामेंट हर जाति का उसकी जनसंख्या के अनुपात उसका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होना चाहिए, तभी उसको वो वर्गों को क्या कानून बनना क्या बजट एलोकेट करना वो लोग उन्हें निर्णय करेंगे। मगर ऐसे ही अपने एग्जीक्यूटिव में एडमिनिस्ट्रेशन में लेजिस्लेशन में और जुडिशरी में और कहीं अरे अनेक फील्ड में जो विंग्स ऑफ द स्टेट में है उसमें सबकी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मगर जो सामाजिक न्याय करने वाला ये जुडिशरी है हमारे जस्टिस ने तो एसी एसटी बीसी वाले ने तो क्या न्याय मिलेगा, वो लोग बैठा है वो सामाजिक न्याय के वास्ते, मगर वो संविधान को और उल्टा समझ रहा है, उन्हें एक इंटरप्रिटेशन उल्टा रीति से दे रहा है वो संविधान की, फिर अपने दे आर री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इफ दे आर द लॉ मेकर्स, क्योंकि जो ये मुद्दे नाम मुद्दे है अपने साहब अपने कैसक ने बोला, क्यों ये मुद्दे ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, ये सबकी भलाई के वास्ते है, ये सामाजिक न्याय के वास्ते है, मगर ये लोग क्यों नहीं करने देता, क्योंकि जो सही सही पूरा राइट्स शेड्यूल कास्ट को भी नहीं मिला है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट में जो एमपी एमएलए बना है उसका चेला है, जो अपने पार्टी का उन्हें एक चेला है उन्हें कंट्रोल है उसका, उसकी जो अधिकार से ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं काम कर सकता, पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोल सकता भी, कि देयरफॉर वी कैनॉट कॉल देम दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एससीज एसटीज और बीसीज, वो देयर आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सवर्णों का है, क्योंकि ये पूरा भारत में जो अपने वो लोग एक इंप्रेशन देते हैं हम शेपर्ड है आप शीप है आपका देखभाल हम करते हैं, मगर हमको काट ले रहा है, काट लेके छीन लेके लूट लेके वो लोग खा ले रहा है, ये चलाएगा नहीं, अभी भारत ने आगे नहीं चलेगा, उस वास्ते सबकी ये हमदर्दी है सबकी आंदोलन है, हम अभी इकट्ठा हुए क्योंकि दलित तो इकट्ठा थोड़ा बहुत हुआ, मगर बीसी को इकट्ठा नहीं होंगे उस वास्ते उसका हिस्सा हम खींच लेके उसका अपने खींच लेंगे, फिर अपने को उसका खींच ले सकते हैं, ये लोग उसको जैसा उसका अधिकार समझते हैं, मगर अभी नहीं चलेगा उस वास्ते भारत में जितने भी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी बड़ा नहीं छोटा नहीं, अलायंस सोशल रिवोल्यूशन अलायंस बना है, क्योंकि सबकी समांतर चलता है, एक ऊपर एक नीचे एक वैसा कुछ नहीं है, उस वास्ते सबकी सहयोग से एक आंदोलन एक नया आंदोलन एक नेशनल मूवमेंट हम खड़ा करते हैं पूरा भारत में, इसको ये आंदोलन करते हैं और अपने घर घर में भी प्रचार करते हैं, और अपने आंदोलन भी जो जंतर मंतर में सेक्रेटेरिएट्स के सामने स्टेट्स में और जहाँ जहाँ भी वो भी करते हैं मीटिंग्स करते हैं, कहीं उसका एक एक्शन प्लान बना हुआ है, उससे सबसे बड़ी मुद्दा जाति जनगणना और नीट का, और ये और इसके साथ कई मुद्दा है 10% आरक्षण में भी एससी एसटी को बीसी को होना चाहिए, क्योंकि 10% आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सवर्णों को नहीं दे सकता, देख के भी वर्टिकल रिजर्वेशन से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल में कोई स्कूल के आधार से नहीं दूसरे के आधार से दे सकते हैं, मगर सवर्णों को वर्टिकल में अलग से 10% देना ये गद्दारी है हमारे संवैधानिक है, मगर सुप्रीम कोर्ट में जो उसमें जो केस फाइल किया है मगर उसमें एक इसने 2 साल से फिर उसमें लेता ही नहीं है,
वो फिर अपने कौन सा प्रायोरिटी लेना, कौन सा प्रायोरिटी लेना, जो सरकार जो निर्णय करता है उसका जो सहयोग कोर्ट कर रहा है, सरकार और कोर्ट ने दोनों मिलके बैकवर्ड क्लासेस को एंजॉय कर रहा है, निर्धारित कर रहा है, उस वास्ते स्टाफ करने के वास्ते ये आंदोलन चल रहा है। धन्यवाद।